नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग फिर से टाइम निकाल के मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ दिन पहले टीचर्स डे 5 सितंबर को था, तो उस दिन मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई थी सबको थैंक यू बताने के लिए, और साथ ही मैंने कहा था कि मैं टिप्स शेयर करूँगी, बल्कि मैं 4 टिप्स शेयर करूँगी जहाँ पे आपको अपना रोज का ज़िंदगी में ज़रूर मदद करेगा। तो जैसे हम जानते हैं टीचर्स तो सबसे पहला टीचर्स हमारा कौन होता है, हमारा मम्मी पापा, जहाँ से हम सीखते हैं। हमारा घर हमारा पहला स्कूल होता है, हमारा मम्मी पापा हमारा ज़िंदगी में पहला टीचर होता है। तो और एक बात बताऊँ, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जीने के लिए हमें 4 चीज़ की ज़रूरत तो होती ही होती है। एक तो बड़ों की आशीर्वाद, दूसरा पैसों की ज़रूरत, तीसरा हमारा हेल्थ, और चौथा हमारा रिलेशनशिप। हर चीज़ का हमारे ज़िंदगी में एक अलग अहमियत रखता है। इसमें से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास ना हो तो हमारा लाइफ क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो पूरा बैलेंस हो, इसके लिए ज़रूरी है कि 4 खंबा, ये जो 4 पिलर्स है हमारा ज़िंदगी में, वो एकदम मजबूत हो। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, हमारा टीचर्स कौन होते हैं, मम्मी पापा। तो सबसे पहले मैं, जिनका गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका सर पे गुरु का आशीर्वाद नहीं है, बृहस्पति जिनका वीक है, उन सब के लिए मैं पहला टिप देना चाहूँगी। हर रोज सुबह उठ के आप लोग अपना मम्मी पापा का पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी जो भी है, जो आपसे बड़े हैं उम्र में, बुजुर्ग है, उनका आशीर्वाद लीजिए। जिनका जितना आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, उतना आपका क्या होगा, गुरु मजबूत होगा, उतना आपका बृहस्पति मजबूत होगा। आपका जो 3 अंक का कमी होने की वजह से आपका ज़िंदगी में जो परेशानी है वो पूरा हो जाएगा। इससे आपको आशीर्वाद भी मिल गया, मम्मी पापा का प्यार भी मिल गया, और आपका गुरु भी मजबूत हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अंक की तरफ, जो कि है प्यार के लिए। रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, अगर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड में परेशानी हो गया, तो हमारे लाइफ में काफ़ी सब कुछ डगमगा जाते हैं। चाहे हम जितना भी ना कहे मुँह से, मगर अपने अंदर जो सुनामी का ये उठता है वो तो पता ही है। तो चलिए उसका लिए मैं बता देती हूँ, जिनके लाइफ में 6 मिसिंग है उनका लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, हर फ्राइडे को कोई भी सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर कीजिए। मतलब चाहे वो शक्कर हो, चावल हो, मैदा हो, या फिर वाइट रंग का कोई भी चीज़ हो सके तो आप मतलब वस्त्र दान कर दीजिए, मतलब सफ़ेद जो धोती या फिर कुर्ता, कुछ भी सफ़ेद साड़ी मतलब जो पहनते हैं, मतलब उस पर अगर प्रिंट भी हो तो भी सही है, मगर वो सफ़ेद होना ज़रूरी है। तो सादा चीज़ों का दान कीजिए, उससे आपका क्या होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा। शुक्र हमारे ज़िंदगी में रिलेशनशिप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुक्र ग्रहों को मजबूत कीजिए, अपना प्यार को मजबूत कीजिए, और फिर देखिए आपका ज़िंदगी में क्या कमाल होता है, आपका रिलेशन कैसे आगे बढ़ता है। और सिर्फ रिलेशन की, उस शुक्र ग्रह से हमारा ज़िंदगी में सेफ्टी, हारमनी, पीस, सुख, शांति, पैसा, सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए, फिर देखिए आपका ज़िंदगी में क्या मैजिक होता है। और अगर आप हो सके तो खीर बना के खिला दीजिए, महीने में भले ही एक ही बार हो, मगर फिर भी अपने हाथों से, जो जिसे हम खीर कहते हैं, वो सादा रंग का जो खीर होता है चावल का, वो खिलाइए। जैसा भी हो आप अपने हाथों से बनाइए, उसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो महीने में, 2 महीने में भले ही एक बार हो, मगर वो ज़रूरी है। तो हो सके तो आप सादा चीज़ों का दान कर दीजिए, हो सके तो वस्त्र दान कीजिए, मिठाई बर्फी कुछ भी दीजिए, या फिर आप अपने हाथों से कुछ बना के खिला दीजिए। भले ही हफ्ते में एक बार हो, महीने में 2 बार हो, जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं अपना हेल्थ के ओर। हमारा हेल्थ अगर सही नहीं है, फिर तो हमारे ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है। तो हमारा हेल्थ सही करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको अपना घर का जो ईशान कोण है, और आपका घर में जो
ईस्ट जो दिशा है, ये दोनों चीज़ को आप देखिए, दोनों दिशाओं को आप देखिए, क्या यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ वगैरह है या किचन है, टॉयलेट है। जैसे हम कहते हैं कि ईशान कोण में ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे हम सिर्फ भगवान जी को विराजमान करते हैं या फिर आप मानते जिनको है उनको विराजमान कर सकते हैं। मगर भी अगर आपके घर के ईस्ट कोण में या ईशान कोण में अगर ये सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए, तो इसका उपाय भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपको गायत्री मंत्र जप करना है रोज़, या फिर आप नहीं तो गायत्री मंत्र चला दीजिए हर रोज़, तो भी आपका काम होगा। हो सके तो आप खुद ही चैंट कीजिएगा। और क्या करना है हेल्थ सही रखने के लिए, आप गणेश जी के मंदिर में जाइए और उनके कंधों पे 1.25 मीटर का आप येलो क्लॉथ जो होता है वो चढ़ा दीजिए, उन्हें 5 लड्डू का भोग चढ़ा दीजिए और फिर वही लड्डू आप पंडित जी है मंदिर में उन्हें दान कर दीजिए, और साथ ही आप गणेश जी के पैर पे 5 या 10 रुपए का सिक्का दान कीजिए। ये आपको हर सोमवार या बुधवार को करना है, या आप चाहे तो वार और बुधवार भी कर सकते हैं, मगर हर हफ्ता आपको करना जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। और ध्यान रखिएगा वो पीले कलर का लड्डू ही हो। साथ ही आप गणेश जी को प्रार्थना कीजिए कि हे विघ्नहर्ता, हमारा सब विघ्न को दूर कीजिए प्लीज, और हमारा शरीर को आपका सबका घर का जो मेंबर्स है उनका नाम लेके बोलिएगा, उन्हें स्वस्थ रखे। और साथ ही आखिरी चीज वो है पैसा। पैसा के लिए तो हम सब मेहनत करते हैं, पैसे के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते जिंदगी में, खाने पीने सब में पैसा जुड़ा ही जुड़ा है, पैसे के बिना हम एक दिन भी शायद चल ही ना पाए। तो पैसों के लिए आप क्या कीजिएगा, काली मिर्च ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं वो अपने साथ रखिएगा। अगर आपका शनि कमजोर है, अगर आपका शनि मजबूत नहीं है, मिसिंग है, तो ये उपाय कीजिए। आप काली मिर्च को खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए जहाँ पॉसिबल हो, साथ में आप पुड़िया बना के या छोटी सी डिब्बी में आप अपने साथ रखें। और इससे क्या होगा, मतलब अपने पर्स में रखे, अपने साथ जहाँ भी जाए बैग में रखिए, तो इससे क्या होगा आपका शनि धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। और साथ में आपको क्या करना है, जब भी आप इस्तेमाल करें आपको इंटेंशन डालना है कि आपका शनि मजबूत हो रहा है, तो इंटेंशन डालिए, हर रोज़ यूज़ कीजिए। फिर देखिए ये जो चारों उपाय मैंने बताया आपको, ये आपका लाइफ में कैसे जादू करता है धीरे धीरे। और ये मेरे तरफ से आप सबके इतना ढेर सारा प्यार के लिए, इतना ढेर सारा विशेस के लिए, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए।